हेलो गाइस इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा जेई मेज 2017 का पेपर जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो डेल्टा यू होता है इट इज़ इक्वल टू ऑप्शन आपको गिवन थे आइसोकोरिक वर्क आइसोबारिक वर्क आइसोथर्मल वर्क एडियाबैटिक वर्क तो इसमें बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन यहाँ पे था थर्मोन एनिमिक्स का फर्स्ट लॉ जो होता है इट इज डे इट इज समथिंग लाइक दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू तो देखिए आपको इसमें देखना था कि किन कंडीशंस में डेल्टा यू वर्क के इक्वल होता है तो डेल्टा यू वर्क के इक्वल तभी होगा अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी ज़ीरो और क्यू की वैल्यू जो हीट एक्सचेंज होता है उसकी वैल्यू ज़ीरो कब होती है इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो अगर हम पुट करेंगे तो जो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू वर्क डन हज द करेक्ट आंसर इज थ्री अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है इसमें आपसे पूछा गया था रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इज तो ये ऑप्शंस आपको गिवन थे अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वो एनथ ऑर्बिट में क्या होता है इट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड एंगोस्ट्रॉम अब इस केस में जेड की वैल्यू तो कितनी है वन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सेकेंड बोर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या होगी टू यानी बेसिकली आपको पॉइंट फाइव टू नाइन को फोर से मल्टीप्लाई करना है द करेक्ट आंसर विल बी टू पॉइंट वन टू एंगोस्ट्रॉम आइए स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पी के वैल्यू गिवन है एच ए की एच ए एक वीक एसिड है इसकी पी के वैल्यू है थ्री पॉइंट टू एंड यू हैव बीन गिवन पी के बी ऑफ बी ओवेच जिसकी वैल्यू गिवन है थ्री पॉइंट फोर ये बेस भी वीक है और ये एसिड भी वीक है और दोनों का पी के पी की भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपसे पूछा गया है जो सॉल्ट इन दोनों को मिक्स करने के बाद बनेगा पी एच ऑफ सॉल्ट ए बी पी एच ऑफ सॉल्ट ए बी इज तो देखिए ये बिल्कुल डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सेवन प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस हाफ ऑफ पी के बी और इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो नेट आंसर विल कम आउट टू बी सिक्स पॉइंट नाइन देखिए पी के की वैल्यू आपको पता है पी के बी की वैल्यू पता है सेवन प्लस हाफ इंटू पी के माइनस पी के बी कितना हो जाएगा माइनस जीरो तो पॉइंट टू जैसे कि इसमें नेट आंसर है सिक्स पॉइंट नाइन आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको है कि एक हेल्दी एडल्ट के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सच एस ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन अगर आ, उनका परसेंटेज मास देखा जाए मतलब बेसिकली मास के हिसाब से उनका परसेंटेज देखा जाए तो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट सिक्सटी ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी कार्बन कॉन्स्टिट्यूट ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन परसेंट बाई मास हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट टेन परसेंट बाई मास एंड नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट टू पॉइंट सिक्स परसेंट बाई मास तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा हुआ गया था कि अगर सेवेंटी फाइव के जी का कोई एडल्ट है सेवेंटी फाइव के जी के एडल्ट के अंदर अगर जो हाइड्रोजन क्या आइसोटॉप है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है उसमें वन मास है वन यूनिट मास है अगर ये ट्वाइस हो जाता है यानी हाइड्रोजन की बजाय लेटस से हम ड्यूटीरियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ड्यूटीरियम लगा देते हैं तो ऐसे केस में जो एडल्ट है उसका वेट कितना गेन हो जाएगा तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था देखिए 75 फाइव के जी टोटल वेट है इसका जो टेन परसेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन का ओरिजिनल वेट तो अगर इसका 10% परसेंट हम निकालें तो इसका 10% परसेंट आएगा 7.5 पॉइंट अब खुद ही सोचिए अगर इसी में हमने हाइड्रोजन का मास डबल कर दिया यानी ट्वाइस कर दिया तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा 7.5 की बजाय जो मास हो जाएगा दैट विल बी 15 के ओके okay? तो ओवरऑल जो गेन होगा जो गेन होगा वो कितना हुआ 7.5 पॉइंट स्टूडेंट के सिली मिस्टेक इसमें कर देते हैं 15 के को गेन बोलते हैं नहीं गेन होता है इनिशियल के रिस्पेक्ट में इनिशियल हाइड्रोजन का जो मास है वो kg है 7.5 पॉइंट है आउट ऑफ 75 फाइव लेकिन हम हाइड्रोजन के मास को अगर हम डबल करेंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर भी टोटल वेट कितना हो जाएगा हाइड्रोजन की वजह से 15 के जी हैंस द नेट गेन इज 7.5 पॉइंट आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको मैंशंड है कि एक मेटल है वो मेटल जो है वो एफ सी सी स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है उसमें वो क्रिस्टलाइज हुआ हुआ है तो उसमें पूछा गया था कि जो मेटल के एटम्स हैं जो मेटल के एटम्स हैं उनमें जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या है यानी उनमें मिनिमम डिस्टेंस कितना है उन एटम्स में वो बात की गई थी और जो एफ सी सी की यूनिट सेल है यूनिट सेल जो है उसकी एज का लेंथ गिवन था आपको उसकी एज का लेंथ जो वो गिवन है ए तो आपको बताना था कि भाई ओवरऑल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा तो देखिए ये जो होता है ये एफ का एक फेस है एफ के फेस के अंदर जो एटम्स हैं ये कॉन्स्टेंट टच में होते हैं एटम्स जब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टच में होते हैं तो ऐसे केस में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये एक यूनिट सेल का एज है तो ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है ये लेंथ है ए सिमिलरली ये जो लेंथ है ये भी लेंथ है ए और ये जो डाइग्नल बन रहा है यहाँ पे ये जो डायग्नल यहाँ पे बन रहा है कुछ इस तरीके से ये जो डायगनल है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू आएगी रूट टू ए तो जो डायग्नल है ए बी इट इज़ रूट टू ए अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो स्फेयर्स हैं ये जो एटम्स हैं इसका, है, इसका रेडियस आर है इसका रेडियस आर है इसका रेडियस आर है इसका रेडियस भी आर है तो टोटल तो अगर हम बात करें इस केस में तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा फोर होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना है फोर आर है और ये जो फोर आर है अगर इसको हम इक्वेट करें रूट टू ए से तो इस केस में आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी आर की वैल्यू आएगी रूट टू ए बाय फोर लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है तो किन्नी भी दो एटम्स में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा इतना होगा टू आर होगा या इन दोनों एटम्स में डिस्टेंस अगर देखें तो उनके जो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है वो होगा टू आर टू आर यानी इट विल बी इक्वल टू ए बाय टू आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कि इसमें क्या आ जाएगा रूट टू ए डिवाइड बाई टू और द वैल्यू विल कम आउट टू बी ए बाय टू आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही आसान है इसमें आपको दो रिएक्शंस गिवन है आर वन एंड आर टू ये जो रिएक्शन आर वन है इसका रेट कांस्टेंट के वन है और इसका प्री एक्स एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई ए वन है और टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है थ्री हंड्रेड कैलविन उसके बाद आर टू जो रिएक्शन आर टू है उसका रेट कांस्टेंट के टू है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है एक्टिवेशन एनर्जी ई ए टू है ऐसा मैंशनड है कि ई ए वन की जो वैल्यू है वो ई ए टू से कितनी ज़्यादा है टेन जूल ज़्यादा है तो ई ए वन इज ग्रेटर देन ई टू बाई टेन जूल पर मोल ओके okay, इस बेसिस पे आपको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ एल एन के टू बाय के वन तो इसमें हम आर एन एस इक्वेशन का यूज़ करेंगे आर एन एस इक्वेशन का अगर हम यूज़ करेंगे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि के वन इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई ए वन डिवाइड बाय आर टी और अगर हम के टू की वैल्यू निकालें तो दैट विल कम आउट टू बी ए ई टू दी पावर माइनस ई ए टू डिवाइड बाई आर टी अब हम क्या करेंगे के टू बाई के वन अगर हमको चाहिए तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी के टू बाई के वन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ई टू दी पावर इसमें क्या आ जाएगा तो दिस विल कम आउट टू बी लाइक दिस के टू बाई के वन इज कल टू ई टू द पावर ई टू द पावर ई ए वन माइनस ई ए टू डिवाइड बाई आर टी अब इसका अगर हम एल एन यानी लॉग लेते हैं तो ऐसे केस में यहाँ पे ये यह जो चीज़ है ये बाहर आ जाएगी और यहाँ पे ई e जो है वेनिश हो जाएगा ओके तो नेट वैल्यू विल कम आउट टू तो बी नेट वैल्यू विल कम आउट टू बी दिस वन अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं ई ए वन की वैल्यू ई ए टू से टेन किलो जूल ज़्यादा है तो टेन किलो जूल को हम आ, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एट पॉइंट थ्री वन फोर यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर थ्री हंड्रेड मैंशन करेंगे सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू भी फोर आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो हैस लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है इसमें आपको चार इक्वेशंस गिवन है पहली जो रिएक्शन आपको गिवन है इसमें आ, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में है सी ग्रेफाइट फॉर्म में है और ग्रेफाइट फॉर्म में ओटो के साथ रिएक्शन करके सी ओ बनता है इसका डेल्टा एच आपको मैंशनड है माइनस किलो जूल पर मूल फिर अगली रिएक्शन में मैंशनड में है कि हाइड्रोजन है गैश फॉर्म में प्लस हाफ ओटो गिवस एस टू लिक्विड और यहाँ पर डेल्टा एच मैंशन है माइनस फिर अगली रिएक्शंस का भी डेल्टा एच मैंशनड है आपको ये इक्वेशन जो ये रिएक्शन जो गिवन है सी ग्रेफाइट प्लस टू एच टू गिव सी एच फोर इसमें डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है तो देखिए इस इक्वेशन को देख के इस रिएक्शंस को देख के आपको पूरा ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए कि आपको लेफ्ट साइड में एक तो ये कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में चाहिए और उसके अलावा आपको दो यूनिट हाइड्रोजन चाहिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो गैशस फॉर्म में इस इक्वेशन में अवेलेबल है वो भी वन यूनिट है तो इस पूरी इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे टू से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में हमें टू एच टू मिल जाएगा और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक सी एच फोर चाहिए और वो एक सी एच फोर यहाँ पर है यानी पहली इक्वेशन जो है इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है दूसरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो और जो तीसरी इक्वेशन है इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई मत करो वन टू और थ्री को तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी ये लास्ट वाली इक्वेशन मिल जाएगी ओके तो अगर इसका ट्वाइस होगा तो जो डेल्टा एच है उसका भी क्या हो जाएगा उस केस में ट्वाइस हो जाएगा यानी माइनस टू एट फाइव पॉइंट एट इंटू टू इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ओवरऑल जो फाइनल रिएक्शन है उसका जो डेल्टा एच आएगा डेल्टा एच फाइनल अगर इसको हम बोलें इट इज़ इक्वल टू इसको मान लेते हैं डेल्टा एच वन इसको मान लेते हैं डेल्टा एच टू इसको मान लेते हैं डेल्टा एच थ्री डैट विल कम आउट टू बी डेल्टा एच वन प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री यही तो क्या होता है हेस्लो का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये रिएक्शन बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन आप सभी से सही होना चाहिए था सो नेट वैल्यू विल कम आउट टू बी माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट किलो जूल पर मोल आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर एट जो काफी कैलकुलेटेड था इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जब हम 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं बेंजीन का यहाँ पे गिवन था 20 ग्राम्स 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में अगर हम उसको डिजोल्व करते हैं तो ऐसे केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिक्रीमेंट होता है वो होता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और इस प्रोसेस का जो इसमें जो के की वैल्यू होती है वो गिवन है फाइव और ये इसमें मैंशनड है कि इस केस में जो एसिटिक एसिड हमने डाला इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं डाइमराइज करने के बाद ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपसे पूछा गया था कि इस पूरे प्रोसेस में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना था तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो अगर सी एस थ्री सी ओ एच है इसकी इनिशियल वन मोल हमने लिया और यहाँ पे ज़ीरो अगर इनिशियली तो ज़ीरो ही होगा मान लीजिए इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद इसमें से अल्फ़ा यूनिट निकला ओके या इसके तो ये बनेगा अल्फ़ा बाय टू और ये जो अल्फ़ा है इट इज़ एक्चुअली डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्योंकि ये वो परसेंटेज है जो एक्चुअली एसोसिएट होके इसमें डायमर में कन्वर्ट हुआ है अब इसमें अगर हम वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू निकालें आई की वैल्यू निकालें तो दैट विल कम आउट टू तो बी हम इन सबको ऐड कर देंगे तो दैट विल कम आउट तो अल्फा अल्फा टू बी वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय टू यानी वन माइनस अल्फ़ा बाय टू तो ये वैल्यू है अवांट ऑफ फैक्टर की तो अब हमें सिंपली क्या करना है हमें बस इस इक्वेशन का यूज करना, करना है और कैलकुलेशन करना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम एम की वैल्यू हमें पुट करनी है के एफ की वैल्यू हमें पुट करनी है आई की वैल्यू हमें पुट करनी है डेल्टा टी एफ हमें पता है तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे है जीरो पॉइंट फोर फाइव आई की वैल्यू है वन माइनस अल्फ़ा बाई टू ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसके बाद के एफ़ की वैल्यू जो है वो कितनी है फाइव पॉइंट वन टू एम की वैल्यू हम निकाल लेंगे एम की वैल्यू निकाल लेंगे तो भाई आपने देखा जीरो पॉइंट टू ग्राम को हमने डिजोल्व किया था तो जीरो पॉइंट टू ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास कितना आएगा सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेंटी ग्राम डिवाइड बाई थाउजेंड ओके okay. ये ट्वेंटी ग्राम क्या था बेंजीन तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है ना तो इस केस में हम डिवाइड बाय डिवाइडेंड करेंगे इसकी कैलकुलेशन करोगे अगर आप तो अल्फा विल कम आउट टू बी नाइन दैट इज द करेक्ट आंसर आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ही आसान है बेसिक स्टोक्योमेट्रिक का क्वेश्चन है ये बेसिक मोल कंसेप्ट है तो इसमें एक कार्बोनेट है एम टू सी ओ थ्री उसका वन ग्राम हमने लिया हुआ है और उसका जो मोलिकुलर मास है उसका जो मोलर मास है मोलर मास को हम मान लेते हैं एम यहाँ कैपिटल एम मान लेते हैं लेटेस्ट से तो इसको जब एक्सेस एच के साथ रिएक्शन कराया है तो जो सी ओ टू यहाँ पर रिलीज़ हुआ उसका जीरो पॉइंट जीरो वन वन एट सिक्स मोल्स यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो आपसे पूछा गया है कि जो ये एम टू सी ओ थ्री है इसका मोलर मास क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे ये यह यहाँ पर बैलेंसड इक्वेशन है अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे एम का एक मोल था तो फाइनली सी का भी एक ही मोल रिलीज़ हुआ है यानी अगर यहाँ पर सी के जीरो मोल रिलीज़ हुए तो एम टू सी ओ थ्री के भी इतने ही मोल्स होंगे अब यहां पे लेटस से एम इसका मोलर मास है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एम टू सी ओ थ्री इज इक्वल टू वन बाय एम एंड इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन वन एट सिक्स और इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो एम की वैल्यू विल कम आउट टू बी 84.3 ग्राम पर मोल यानी मोलर मास जो आएगा एटी फोर आएगा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बेसिक बातें अगर अच्छे से आपको पता है तो क्वेश्चन आपका पक्का सही हुआ होगा आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है इसमें आपको डिफरेंट ई नॉट की वैल्यूज गिवन है जैसे यहाँ पे सी एल टू से सी एल नेगेटिव में जाने के लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो गिवन है वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट यहाँ पे सी आर प्लस थ्री से जीरो पे जाने के लिए जो वैल्यू गिवन है वो है माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर वोल्ट तो इस तरह की कई सारी वैल्यू गिवन है तो आपसे पूछा गया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस केस में कौन होगा तो देखिए स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद बहुत रेडिली क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा ओके तो आइए सबसे पहले टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जिसका ई e नॉट ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत स्ट्रांग होगा तो अगर हम क्रोमियम की बात करें तो इस केस में अगर इसका रिवर्स हम लें यानी सी आर से सी आर थ्री प्लस जाने के लिए ई नॉट की वैल्यू देखें तो वो इसका रिवर्स यानी 0.74 वोल्ट होगी जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी क्रोमियम की की में जाने टेंडेंसी काफी हाई है क्योंकि इसका ई नॉट अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और ये प्रोसेस काफी स्पॉन्टेनियस होगा अब इसके बाद हम एम एन टू प्लस की बात करते तो अगर एम एन टू प्लस को क्या होना है खुद को ऑक्सीडाइज होना है तो इसके रिवर्स जाना पड़ेगा यानी प्लस टू से उसको प्लस सेवन में जाना पड़ेगा और उसके लिए इसकी ई नॉट की वैल्यू इसका रिवर्स यानी माइनस वन पॉइंट फाइव होगी यानी एम एन के प्लस टू से प्लस सेवन में जाने के चांसेस बहुत ही लेस हैं ये बिल्कुल उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है तो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ओके अच्छा मतलब अब इसके बाद सी आर प्लस थ्री की अगर हम बात करें तो सी आर प्लस थ्री से अगर प्लस सिक्स में जाना चाहता है तो ई नॉट की वैल्यू माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री होगी ओके यानी सी आर प्लस थ्री खुद अगर खुद अगर ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा तो किसी दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा तो इसके चांसेस भी खत्म हो गए सिमिलरली सी एल नेगेटिव अगर खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज हो गया यानी जीरो में अगर वो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वैल्यू विल कम आउट भी माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट इसका रिवर्स आ जाएगा तो इसलिए इसके चांसेस भी कम होंगे यानी जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ है इनकी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है ही नहीं अगर ये खुद ऑक्सीडाइज़ नहीं होंगे यानी खुद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेंगे तो यहाँ पे जो क्रोमियम है दैट विल बी द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ओके गएस आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब थैंक यू